हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुमित्रास किचन। लॉकडाउन में सभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। दिन भर एक ही जगह बैठे बैठे काम करते करते बॉडी से ज्यादा माइंड टायर्ड हो जाता है। ऐसे में मैंने मेरे हस्बैंड के लिए प्लान किया है कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट एनर्जेटिक दिन की शुरुआत करने के लिए। तो आज मैं यहाँ बनाने वाली हूँ स्प्राउटेड प्रोटीन सैलेड। इसमें लगने वाले इन्ग्रीडियंट है स्प्राउटेड मूंग, पनीर, टमाटो, अनियन, कम्बर, कैप्सिकम, कैरेट और फ्रेश धनिया पत्ती, नींबू और हरी मिर्च। तो बना लेते हैं। मूंग दाल को हम पहले स्टीम करेंगे। मैं यहाँ पर इसे माइक्रोवेव में स्टीम करने वाली हूँ 2-3 मिनट के लिए। ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे मिक्स करते हैं एक बाउल में अनियन और कुछ कटे हुए टमाटर, कुछ कटे हुए शिमला मिर्च और गाजर और क्यूकम्बर के साथ में इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। डाला मैंने ब्लैक सॉल्ट, पेपर, चाट मसाला, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ऐड करते हैं इसमें हम पनीर के कुछ टुकड़े, जो कि बहुत ही गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ऐड किया मैंने यहाँ पे कोरिएंडर, फ्रेश लीफ, धनिया पत्ती, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है। और मैंने यहाँ पर ऐड किया लेमन जूस। तो ये रेडी हो गया हमारा न्यूट्रिशन से भरपूर हेल्दी स्प्राउटेड सैलेड। ये जबकि बहुत अच्छा होता है, पूरे दिन बॉडी को बहुत ही रिफ्रेश रखता है। अब बना लेते हैं यहाँ पर हम सैंडविच। मैंने यहाँ सब्जियों को काट लिया है और इसे थोड़े से बटर के साथ तवा में हल्के से फ्राई कर लेंगे। यहाँ जो मैंने बटर यूज किया है ये है नेचर लाइट का नो कैल बटर। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा ही तवे पर लगाएंगे और इसे सभी सब्जियों को उसमें हल्के से सॉटेज जैसे तो फ्राई कर लेंगे। जस्ट खाली कलर चेंज होने तक इसे रखना है और इसे निकालेंगे। डाल लिया है मैंने 4 पीस ब्राउन ब्रेड, लगाया उसमें बटर और हरी चटनी और टमाटो सॉस। अब उसमें सभी सब्जियों को रख देंगे। पनीर रखेंगे और रखेंगे उसमें थोड़ा सॉल्ट डालेंगे, पेपर और फ्रेश हरी धनिया पत्ती डालकर इसे एक तवे पे थोड़ा सा बटर लगाकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये रेडी हो गया हमारा तिरंगा सैंडविच। ये बहुत ही हेल्दी है पूरा दिन रिफ्रेश रखने के लिए। अब हम बना लेते हैं जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है, ये जिंजर फ्लेवर वाटरमेलन जूस। वाटरमेलन के टुकड़े, पुदीने के पत्ते, नींबू का रस, कुछ अदरक और ब्लैक सॉल्ट, 2 टेबलस्पून शुगर डालकर इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। इसे छान लेंगे और इसके सभी सीड उसमें अलग हो जाएंगे पर पल्प उसी में रह जाता है। तो ये रेडी हो गया हमारा एक बहुत ही रिफ्रेशिंग वाटरमेलन जिंजर फ्लेवर जूस। ये हाई ब्लड प्रेशर को बहुत ही कंट्रोल करता है क्योंकि इसमें एमिनो एसिड होता है और बॉडी को डिहाइड्रेट भी नहीं होने देता। तो रेडी है एक हमारा हेल्दी पूरे दिन को तरोताजा रखने के लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी और एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। और अगर कोई खास रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। एंड जो मेरे नए फ्रेंड हैं इस चैनल पे, ये इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी। बाय बाय।